आज मैं सुबह पहला पी रही हूँ, धनिया पानी पी रही हूँ फ्रेंड्स। धनिया रात को पानी में भिगो के रखना चाहिए था, तो सुबह थोड़ा सा उसको उबाल के, नहीं तो थोड़ा गर्म करके पिएगा तो चलता है, बट मैं भिगोने के लिए भूल गई थी तो अभी मैं उबाल के पी रही हूँ सुबह सुबह। इसके बाद गर्म पानी पिएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रसलस किचन। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, 9 बजने के लिए आया है, पानी वगैरह पी के हो गया फ्रेंड्स। अभी मैं पहला आज खा रही हूँ स्प्राउटेड मूंग खा रही हूँ फ्रेंड्स, मुट्ठी भर खाएगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन मेरा डाइट में ऐड करूँ, तो इसके लिए थोड़ा मुट्ठी भर मैं ये पहला खा लेती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेगी, थोड़ी देर छोड़ के टाइम है ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट जोएल को और हस्बैंड को ना मैं रखी हूँ फ्रेंड्स, तो इसका ना थोड़ा सा मैं उनको स्वीट बना के देगी, उनको बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। उससे पहले मैं एक मुट्ठी भर में ये खा लेती हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट है ये खाने में, ऐसा कच्चे खाने में, बट खा लेती हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा है तो मैं ट्राई करेंगी। इससे पहले भी मैं खाई हूँ 2-3 बार, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाई हूँ, बट इतना नहीं खाई हूँ। अभी थोड़ा सा मैं बैठ के आराम से चबा चबा के अच्छे से खा लेगी फ्रेंड्स। तो अभी मैं खा रही हूँ फ्रेंड्स स्प्राउट मूंग, बट टेस्ट तो अच्छा नहीं है। देखिए मेरा मुंह भी कैसा तो हो रहा है वो चबाने के टाइम, तो मैं मुश्किल से खा ली हूँ फ्रेंड्स। देखिए मूंग स्वीट बनाई हूँ, ग्रीन मूंग का स्वीट बनाई हूँ, इसमें नारियल और गुड़ डाली हूँ। मेरे लिए सैंडविच बना के रखी हूँ, एक सैंडविच अभी जोएल के लिए और जोएल के डाडा के लिए निकाल रही हूँ, और विथ ब्लैक कॉफी, विथ ब्लैक कॉफ़ी। आज मैं भी ब्लैक कॉफ़ी पीने वाली हूँ, नहीं तो बीच बीच में मैं दूध का पी लेती हूँ, आज ब्लैक कॉफ़ी पीने वाली हूँ। ये तो हेल्दी ब्रेकफास्ट है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है फ्रेंड्स, बट मुझे इतना पसंद नहीं है पहले से, तो मैं नहीं खाती हूँ, पहले से नहीं खाती हूँ, तो ओनली टेस्ट किया था मैंने। देखिए फ्रेंड्स, आज का मेरा डिटॉक्स वाटर है, कुकम्बर और टोमेटो कट करके डाली हूँ उतना ही, इसमें और कुछ नहीं डाली हूँ फ्रेंड्स, ना अदरक डाली हूँ ना लेमन, लेमन का चिल्टा डाली हूँ लगता है, पता नहीं याद नहीं, तो अदरक नहीं डालती हूँ, थोड़ा अदरक से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, ज़्यादा बॉडी में हीट हो रहे तो मैं अदरक नहीं डाली हूँ। तो चलिए अभी एक ग्लास पी लेती हूँ, अभी ब्रेकफास्ट होके भी 1 आवर हो गया है, तो एक ग्लास पी के फिर से इसमें पानी डाल के रख देगी। डिटॉक्स वाटर पीने से ना बॉडी बहुत हल्का हल्का फील होता है फ्रेंड्स, आप पी के देखिए, आप कभी अनहेल्दी वगैरह खाए रहेगा तो दूसरा दिन तो ज़रूर पीजिए फ्रेंड्स। मैं पहले ऐसे सोचती थी फ्रेंड्स, दूसरे का डिटॉक्स वाटर का वीडियो वगैरह देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था ये पानी में डाल के पीने से अच्छा ऐसे हम लोग वेजिटेबल खाएगा तो अच्छा है ना करके, बट उसमें और इसमें बहुत फर्क है, आप देख के आपको पता चलेगा। और एक बार पी सकती हूँ शाम तक। आज भी मैं लाल चावल ही बना रही हूँ, बॉयल्ड राइस रेड वाला। चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना खा लेते, थोड़ा सा फिश करी बचा हुआ था परसों बनाई थी ना वो है, उसके साथ राइस बनाई हूँ और सलाद है, और मैं बेबी जैक फ्रूट रहता है ना उसका मैं भाजी बनाई हूँ, सूखा भाजी वो है फ्रेंड्स आज का लंच। तो चलिए अभी खाना खा लेते। देखिए फिश करी है, रेड चावल बनाई हूँ, बॉइल्ड राइस बनाई हूँ, और ये जैक फ्रूट का बेबी जैक फ्रूट इसका सूखा भाजी बनाई हूँ। देखिए बॉइल्ड राइस है, बेबी जैकफ्रूट का भाजी बनाई हूँ, सलाद ली हूँ, सुबह में सैंडविच के लिए कैप्सिकम कट किए थे ना, टोमेटो ये सब बचा हुआ था वो सब मैंने ले लिया,
ये फिश करी है फ्रेंड्स, तो ये मेरा आज का हेल्दी थाली है। तो चलिए अभी खाना खा लेते। आफ्टर द फूड हम लोग खा रहे फ्रेंड्स तोतापुरी मैंगो खा रहे, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाली थी। अभी मैं बना रही हूँ डिनर के लिए एक हेल्दी रोटी बना रही हूँ फ्रेंड्स, चना का रोटी बना रही हूँ। इसमें मैं रागी का आटा मिक्स करके एक रोटी बनाएगी, हेल्दी रोटी। इसके लिए मेरे पास लेफ्ट ओवर चना था, चना तड़का बॉईल करके तड़का दी थी, वो थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो ही मैंने लिया। चना को मैंने मिक्सर में थोड़ा सा पिस के लिया फ्रेंड्स, पानी नहीं डालना है, पानी से पानी के बिना पिसना है, क्योंकि डोसा नहीं बनाना है, रोटी बनाना है ना। इसके लिए आपको डोसा बनाना रहेगा तो आप पानी डाल के पिस के उसमें आटा मिला के आप डोसा बना सकते हो, बट मुझे रोटी बनाना था तो मैंने पानी नहीं डाली हूँ। गर्म पानी साइड में बना के रखी हूँ, तो अभी गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से एक डो बना के लेगी। तो रागी का आटा भी ज़्यादा नहीं, डेढ़ स्पून ही मैंने यूज़ की हूँ, क्योंकि चना थोड़ा ज़्यादा डाली हो और रागी थोड़ा कम डाली हो फ्रेंड्स। तो अभी अच्छे से मैं एक डो बना के ले लेगी। देखिए अभी एक डो बना दिया अच्छे से, तो अभी इसको ना डायरेक्ट आप चपाती के जैसा बेल नहीं सकते हो, बेलने का रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा सूखा आटा इसमें मिलाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक अच्छा कपड़ा लीजिए, नहीं तो ऐसे एक अच्छे से अच्छा एक प्लास्टिक लीजिए, उसके ऊपर आप रोटी बना के आप रोटी को तवा में डाल सकते हो फ्रेंड्स। अभी मैं रोटी बना रही हूँ, हेल्दी रोटी यही है। इसी तरीके से आप सोया वड़ी भी थोड़ा सा मिक्सर में पाउडर करके लेना है, उसमें आप आटा मिला के उसका भी आप अच्छे से रोटी बना सकते हो, सूखा वाला सोया वड़ी, ऐसा नहीं लेफ्ट ओवर सोया वड़ी नहीं है। तो देखिए आपके पास ऐसा लेफ्ट ओवर चना नहीं रहेगा तो चना को भिगो दीजिए, उसको ऐसे डायरेक्ट आप बिना पानी डाले पिस के ले लेने का, उसके बाद उसमें आटा मिला के आप रोटी बना सकते हो। देखिए अभी डाल दिया तो पे अच्छे से अभी दोनों साइड से पका के ले लेगी, ऊपर से थोड़ा घी लगाएगी फ्रेंड। इसके साथ खाने के लिए मैं पम्पकिन भाजी बनाई हूँ, पम्पकिन भाजी भाजी के साथ भी अच्छा लगता है, और वेट लूज के लिए पम्पकिन भाजी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, लो कैलोरी सब्जी है, आप खा सकते हो। तो चलिए अभी अच्छे से मैं पका के लेगी। आज से मैं टाइमिंग भी चेंज की हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो डिनर का टाइमिंग था मेरा 6:30 का, आज मैं 6 o'clock के अंदर ही मेरा खाना खा के हो गया था, डिनर हो गया था। पहला मैं 5:30 खाती थी, उसके बाद मैंने 6:30 किया था, अभी फिर से मैं 6 o'clock कर रही हूँ, क्योंकि एक ही टाइम का ना टाइमिंग रहने दो, डाइट रहने दो, ये सब एक ही टाइम तक लॉन्ग पीरियड तक हम लोग फॉलो नहीं करना है, बीच बीच में उसको ब्रेक भी करना है इसके लिए। तो चलिए अभी देखिए मेरा डिनर बन के तैयार हुआ है, थोड़ा सा घी भी लगा के लिया था, अभी मैं खा लेती हूँ, उसके बाद 1 hour का वॉक करना है मुझे। तो आज का हेल्दी डिनर आप लोग को कैसा लगा बताइए। देखिए भाजी तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था फ्रेंड्स, मसाला नहीं है इसमें, तड़का दी थी राई और करी पत्ता, हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, इतना ही है, और ऊपर से पकने के बाद थोड़ा सा नारियल डाली थी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।